हम पर आला काले कभी आसमान से जुमता मारी गई तो आला काले कभी जमीन से
सीधा बोलो ना हमारे गुनाहों की नमो सकती हो जाएगा, हम सही हो जाए तो सारा हाल सही हो जाएगा, हम बिगड़े हैं तो सारा हाल बिगड़ता रहेगा। तो अपने ऊपर भेद नहीं करेंगे, अपने ऊपर भेद नहीं करेंगे, मैं गुनाह करता हूँ, मैं माँ की लापरवाही करता हूँ, मैं बाप को धक्के देता हूँ, मैं पढ़े की नमाजों के जनाजे उठाता हूँ, मैं सरकार बराबर सही नहीं देता, मैं लोगों की जमीनों को हड़प कर गया, मैं लोगों का माल हड़प कर गया, हमने जीवन की हमने चुनकी की हमने दारू किया हमने जुआ खेला, अरे मेरे प्यारो हमने आखिरी आखिरी दर्जे के सूफी कारोबार किए, रियाज में पूरे डूब गए, वो नहीं बोलेगा, हालात बदल गए, हुकूमत बदल गई, कसम परवरदिगार कुछ ना बदला, हमारा ईमान बदल गया। अल्लाह हमारे साथ है और बोलो नाम बोलो नहीं बोलो नहीं यकीन बनाओ, एक प्रैक्टिकल जिंदगी बनाओ, जो होगा किसे होगा, बीमार हो गया, अल्लाह जा रहा हो बाकी करने वाला वो कभी ऐसा हुआ वो कभी ना होगा, दुकान के बारे में दुकान नहीं चलती, अरे दुकान में जाने से पहले दो रकात नमाज पढ़ ले, अल्लाह को बोल मेरे दोस्तों अल्लाह की कसम उसके दरबार में देर होगा मगर हम लोग डायरेक्ट पर काम खुद करेंगे ना, अपने भरोसे पर जाओगे तो माने जाओगे, अल्लाह के भरोसे पर जाओगे तो कामयाब होते जाओगे। तो कौन कौन कल्याण कहेंगे काम के लिए भरोसा ईश्वर करना, अल्लाह कुरान में कहता सुनोगे सुनोगे अल्लाह कुरान में कहता गुनाह मत कर, बोलो बोलो क्या बोलता अल्लाह का वादा है गुनाह मत कर, ऐसी जगह से रोजी छप्पर फाड़ के दूंगा तुमने कभी सोचा नहीं, अल्लाह कहता गुना छोड़ दे छप्पर मार के रोजी दूंगा और ऐसी जगह से रोजी दूंगा तुमने सोचा भी नहीं होगा, और दूसरी बात अल्लाह कहता भरोसा कर ले मेरे हर काम को किनारे तक पहुंचा, अगर अल्लाह ही कहता हम ना करें तो हमसे बड़ा नाराज कौन होगा, हमसे बड़ा नाराज कौन होगा, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ इसमें लिखा हुआ बोलना है, इसमें लिखा हुआ 2812 अल्लाह दोनों बातें कहता, एक बात कहता गुनाह मत कर सब पर मार के रोज दूंगा, अल्लाह कहता मेरे पे भरोसा कर ले तेरे हर मामले को किनारे तक पहुंचाऊंगा, अल्लाह कहता कुरान करीम में पढ़ो अगर याद हो तो पारा नंबर अल्लाह ने फरमाया वमैन तकिल्ला यजअलुहु मखरजा वयरजुहु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हसबु सबसे पहले अल्लाह कहता मेरा बंदा गुनाह मत कर, बोलो साथ में मेरा बंदा गुनाह मत कर, अल्लाह कहता मेरी कसम ऐसी जगह से रोजी दूंगा सरपट फाड़ के दूंगा बरकत वाली दूंगा तुमने सोचा भी नहीं होगा, दूसरी बात अल्लाह कहता भरोसा करता चला जा तू जमीन पर भरोसा करता जाएगा मैं आसमानों पर तेरी मुराद को पूरा करता जाऊंगा। दोस्तों पहले काम पर आगे भरोसा करेंगे करेंगे बोलो करेंगे आपको अल्लाह पर भरोसा करने पर क्या होता है, आपने नदी का नाम सुना होगा
समंदर का पानी भी चल रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हजरत मूसा
और हाथ में क्या है, हाथ में क्या है, पूरी कौम है रास्ता बनाने जा रहा था, रास्ता बना दे, रास्ता बना था, जाने तो दो मेरे को, मतलब मूसा आगे है अपनी जो जल्दी की या डंडा था वो कितने वाला पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। तो आपने ग्रेनाइट देखा होगा दीवार पे, आपने मेरे दोस्त को कलर देखा होगा, आपने सीमेंट देखा होगा, आपने मार्बल देखा होगा, लेकिन पानी की दीवार कभी नहीं देखा होगा। और अल्लाह ने कैसा बहुत बड़ा संबंध था, अल्लाह ने पानी को इधर खड़ा कर दिया, इधर रास्ता, फिर उधर पानी, फिर उधर रास्ता, फिर उधर पानी, ऐसे पानी की दीवार और बीच में रास्ता, पानी की दीवार बीच में रास्ता, अल्लाह ने 12 रास्ते बनाए। क्यों? अल्लाह ने कहा मूसा तुम्हारे साथ में 70,000 है लेकिन 12 खानदान वाले है, हर खानदान के लिए मैंने अलग अलग रास्ता बनाया। सभी ने देखा तो हैरान हो गए, तो रास्ता बन गया, चलो वालों को लेकर ये किनारे से बोलो कहाँ का कहाँ वो किनारा पार कर गए। उसने बड़े किए, बूढ़े किए, औरतें किए, बच्चे किए, पार कर गए। हजरत मूसा फरमाते हैं अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह इतना प्यारा था, हजरत मूसा फरमाते हैं पार कर गया, हम पार कर गए। हमारे पाँव के नीचे तो पानी था मगर पाँव के ऊपर पानी का कचरा नहीं निकल रहा था। पार कराने वाले को अकल में आने वाली बात, अकल में आने वाली बात, लेकिन अल्लाह ने कहा पारा नंबर छोड़ो, पारा नंबर हाथी को मेरे साथ में पढ़ो तो बात पक्की हो जाए। अल्लाह ने फरमाया अपनी लकड़ी समंदर पे मारो, समंदर फट गया, पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया और हजरत मूसा पार हो गए। पांव के नीचे तो पानी नजर आया मगर पांव के ऊपर तो पानी का कतरा भी नजर। जब दुनिया में नहीं आया तो और तू मर जाएगा तो झुके नमाज नहीं पड़े अक्षर लोगों की आदत हो गया मजर का Allah
इंसान जो नामा कचरे से पैदा हुआ है, तो वो रुपये हम लोग को आने की जरूरत है। कौन क्या होता ये रास्ता जी के बना है, हमने उसको समझाया कि वो अल्लाह से नहीं आगे और हजरत मेरा नाना 400 साल की मेरी उम्र हो गई, फिर हम की उम्र 400 साल की हो गई है, फिर कैसे वो रास्ता मेरी वजह से बना। सबने बहुत समझाया कि ना वो रास्ता, ये रास्ता मेरी वजह से बना, उसका घोड़ा डाला, जैसे घोड़ा डाला सारे लश्कर वालों के फौज ने सिपाहियों ने सबने घोड़े डाले और घोड़े दौड़ाए, अभी तो समंदर के आधे में पहुंचा होगा, अल्लाह ने पानी को कहा वापस आ, पानी को पड़ा था ना, अल्लाह ने कहा वापस अब जब पानी आए तो फिर यहाँ तक आ गए, यहाँ तक पानी आ गया, अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, अल्लाह ये तो पूछता है ना अल्लाह तेरे नबी, बस मैं उन्हीं को मानता हूँ, तो सब अल्लाह ने कहा अब जाओ, मैंने तौबा का दरवाजा बंद कर दिया, बोलो अल्लाह ने तौबा का दरवाजा हमारा भी हमारा भी जब आखिरी सांस इधर आ जाती है ना, अल्लाह के साथ बस मेरा बंदा जिंदगी खत्म हो गई, अब तौबा का दरवाजा बाबर अल्लाह ने अल्लाह को फिरौन को इतना गुस्से था, अल्लाह ने कहा फिरौन 400 साल तक अपने आप को खुदा कहता रहा, आज अपने आप को बचा नहीं सका और अकीर ने मेरे को पुकारता, अल्लाह ने कहा जा, मैंने तौबा का दरवाजा बंद कर दिया और तेरी लाश कयामत तक कर देगी, ना तेरी लाश को जमीन कबूल करेगी ना आसमान कबूल करेगी। कुरान में लिखा है, वो लिखा तो लिखा है कुरान के 11वां पारा, कौन सा पारा, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के रसूल का रास्ता इस दिन से वापस मुस्तफा
جاتے سراط النبی انعام کا آنے گی سیدھے راستے پر آ جا نبیوں کے راستے پہ صدیقوں کے راستے پہ شریفوں کے راستے پہ صالحین کے راستے پہ اللہ کے سیدھے راستے پر آ جا اللہ مل جائے گا اور اگر ادھر ادھر منہ مارے جا تو فرعون کی طرح برباد ہو جائے گا. تو چلو میرے دوستو بہت بہت دھنیہ پہلی بات آپ کی طرح آپ سے بھروسہ جس پر آپ سے بھروسہ جس پر اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ بیٹا لے لیجیے اگر مجھ سے وہ کامیابی بھی دے دی تھی اور فرعون کے پاس سب کچھ تھا مگر اللہ نے برباد کر دیا. ہمارے لیکن ایک درخت تھا،
اللہ کو خوشی اللہ کہاں جا رہا اللہ کہاں جاؤ ماضی تو جا نہیں سکتا ہے پیسے نہیں اور گھر میں جاؤں گا تو نبی کی بیٹی پوچھے گی میرے عمر کیسا کیا ہوا اب اللہ نبی رو گئے میرے سامنے سے جوان کو دیکھا اتنا خوبصورت جوان آ رہا ہے اور ایک اونٹ لے کر آ رہا ہے حضرت علی کہتے تھے تو دیکھتا رہ گیا اور جوان اتنا خوبصورت اور جو اونٹ لے کے آیا وہ بھی حضرت علی کہتے ہم نے بہت سارے اونٹ دیکھے گاڑیاں دیکھے مگر ہوں ادھار لے لو پیسہ دے دینا میں ان کو پہچان ادھر ہری نے پہچان ہوں میں ان کو پہچان ہوں ادھر ہری نے کچھ بھی ہے خریدنا معاملہ ہوا 160 دن کا کتنا کتنے دنوں کے بولو 100 ابھی کہتا 160 لیٹر بڑے وہ کہنے والا آ گیا میرا اونٹ کا بیچ دیا کتنے پکی کو کتنے دیے تھے
فتح کتنے ہمارے نبی نے تعلیم قرآن نہیں پڑا جو اللہ کے راستے میں ایک دیتا ہے اللہ اس کو دس دیتا چھ دیا اللہ نے ساتھ کو جواب کر دے دیے ارے قرآن کریم میں لکھا من جاء بتایا آیا نہیں اللہ نے بھیجا تھا علی کو سب بتا دو اور ایک اور بات بتا دیا علی نے اور کیا بتا دیا ہم لوگ اپنے
تو اللہ سے ہم نہیں مانگتے اور تو اللہ دکان پہ جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے, مکان پہ آتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے. اور اللہ ہر جگہ موجود ہے, لیکن کوئی کرے تو صحیح. اگر دوستوں ہم دیکھیں گے ہماری بلڈنگ میں فلیٹ ہوں گے ماشاء اللہ, آپ سب کے فلیٹ ہوں گے, تو لفٹ میں جاتا ہوگا تو کوئی سی ڈی پہ نہیں جاتا. ارے بولو نا, ہماری بلڈنگ میں گھر ہوں گے کرتا پہ جانا,
पता
बोलो
आपको मालूम होगा ये जितने हम रहते ना वहां वो काम नहीं करता जो काम मान करते तीन काम माने वो किए तो बात ने सोचा नहीं सही है। नौ महीने तक रहते कितने बोलो 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 नौ महीने तक रहते कितने सारी तकलीफों के साथ डिलीवर किसको हुई मां दो काम हो रहे और दो कितने दिन है मां है बाप ने कितने दिन क्या की पेट में रखा डिलीवरी हुई बाप की बाप ने दूध पिलाया नहीं अल्लाह के रसूल ने काम साथ अल्लाह ने और की कुर्बानी को सामने रखा कि ये माँ है जब नौ महीने तक पेट में बच्चे के को लेकर चलती है कपड़ा भी धोती है बर्तन भी मानती है घर में झाड़ू भी देती है और बच्चा भी अपने साथ है और उसके बाद भी तकलीफों के साथ डिलीवरी का टाइम आता और ऐसा लगता औरत ने अपना एक पाव कवर में डाल दिया वो माँ ने एक पाव कवर में डाला ना बच्चा पैदा हुआ दो साल तक अपनी छाती से घटाया अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तीन काम बाप ने नहीं किए तीसरे का माँ की खिदमत कर माँ की खिदमत कर माँ की खिदमत कर और उन्हीं माँ अगर बेटा जवान हो गया तो माँ को वो घर से चली जाए किसने रसूल क्या बोलते अम्मा बाबा तुम बुढ़े हो गए तुमको समझ नहीं आया क्यों तेरे को बहुत समझना जो तेरे को अकल नहीं हो माँ बाप की तो भी जो तेरे बदन में लहू दौड़ता है माँ बाप जो तेरे बदन में गीता दौड़ती है तेरी माँ की दौड़ती है सारी परवरिश जो तेरी हुई है वो तेरे माँ बाप ने की है लेकिन आज बड़ा घर में आ गया ना आज भी घर में आ गई ना आज तेरे घर में बड़ा घर तुझे मिल गया हमारे आका पानी पिया पानी
मैदान करबला की हकीकत पर तो आप मेरे ख्यालों में आपको हकीकत से ले जा रहा है ना आपके पास हमारा मोहर्रम का मामला जो होता है वो तीसरा कानून सामने आ जाएगा और ये भी समझ में आएगा कौन दूसरे से मोहब्बत करता कौन नहीं करता और दूध का दूध पानी लगाने अलग तकलीफ है कैसे मोहब्बत करती है हमारे नबी ने तो खुद फरमाया जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा मोमिन होगा बोलो जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा मन आता हुसैन फहु मोमिन मन अबदा हुसैन फहु मुनाफिक हमारे नबी ने फरमाया कयामत तक आने वालों जो मेरे नवा के हुसैन से मोहब्बत करे वो ईमान वाला होगा और जो मेरे हुसैन से नफरत करे वो भी ईमान होगा आपको मालूम है मुझे मैदान पर बना हुआ है ठीक है अभी तो जमात है इसलिए जमात के सो इतनी सभी वो भी कहते हैं कोई इंस्ट्रक्टर कहते हैं कोई अच्छी कहते हैं कोई किताब में मजे लिखा लेकिन ज्यादा से ज्यादा लिखता है 120 उसके आगे लिखता है और उसमें भी पढ़ने के लिए और के लिए बच्चे के लिए बोले के लिए 120 की जमात की मुबारक जमात की बोले इसकी जमात की हजरत है जब मैदान करबला में गए उस वक्त की बात कर रहा हूँ इसलिए जिस वक्त मैदान करबला में गए वो जुमा का दिन आशुरे का दिन दसवीं मुहर्रम लेकिन जिस वक्त जुमा का दिन तो अगर उसके सामने जो लश्कर था इतने जिया का जो लश्कर था तो ज्यादा से ज्यादा लोग पता तो एक से लाख बीस हजार इसलिए सामने 40,000 तो सामने दाई तरफ में 40,000 को खड़ा किया था बाई तरफ में 40,000 को खड़ा किया था 1,20,000 और शुरू हुआ ना कंडीशन का कोई कंडीशन नहीं मैं नबी का नवा था फैसला होगा तो शरीयत पर होगा शरीयत के बाहर फैसला नहीं होगा नबी का नवा का कदम उठा चुका है शरीयत पर होंगे तो राजी है शरीयत से नहीं होंगे तो राजी मुकाबला शुरुआत कैसा हुआ मालूम है यहाँ आके 120 में से एक और वहां जैसे जाए सब एक साथ में टूट पड़े मुकाबला अरे बोले मुकाबला था और सारा जन्मत हो गया हमने को मार डाले और जन्म वाले ने मार डाला सारे मुझे को मार कौन सा काम हाँ मन भाई बना लो तो समझ में आए अरे बात समझ में आ गई एक जा रहा है वहां सब एक टूट पड़ते और अली
और उस वक्त भी पता था जुमा होने वाले थे, जुमा के शहर होना जरूरी है, वो तो जंगल है, और उस वक्त करबला एक मैदान था, एक जंगल था, एक बयाबान था, तो जुमा होने वाली थी, जोर की नमाज होने वाली, हजरत ने उनसे देखे कि आवाज में कहा होगा अजान को मैं जोर की नमाज पढ़ाऊंगा, और भी यहाँ पढ़ाऊंगा अजान नहीं, आपने जोर की जोर अच्छा पढ़े मुसाफिर से कितनी अगर पढ़े जोर अच्छा पढ़ा तो पढ़ाए तो इसके दो बच्चों के ख्याल है और जब अपना घोड़ा मंगवाया चादर लेकर आना, चादर लेकर आना, तो वो आकर बड़ी चादर लेकर आया और चादर को दिया और अपने बदन से पूरा उसको चिंता दिया, तुमको नहीं मालूम हम लेकर आते अपने अब्बा शेर खुदा हजरत अली की कमरा बदल पे अपनी माँ साधु ने जन्नत हजरत फातिमा का और हमें नमाज दी गई
और नाश्ता भी के रात हर रहे उसे पुराने मैं करूंगा और धर्मों की क्या काम करने का पहले कर देगा अगर उसे नहीं कर दोनों हाथों बोलो धनी के बाद उनकी भी नमाज़ है। हमारे
हम नमाज सुनी करते हैं का टाइम बड़ा करना आठ बजे फैक्ट्री से जाना और फिर तैयार कर लिया बहुत बिजी रहता हूँ आठ से आठ बारह घंटा बिजी रहता हूँ पैसा नहीं और बदल पर हमारा काम करे बदल कौन पड़ेगा वो बोल रहे बदल कौन पड़ेगा तीन दिन लोग क्या बैठे ए मेरे दोस्त मेरे पकड़ा देना मेरे आप ले लिखे हैं ये मोहम्मद ने करता है अरे बोल रहे ये अरे मोहम्मद ने लोग के लिए पकड़ी हमारे बदल से हमारे खुदा ने इसके लिए वो हलत आकर नहीं बन आकर इसके बदल की इसके बदल की कपड़े उतार दिए कपड़े उतार दिए ऐसे कुरान में है कि नहीं है उठाओ कुरान उठाओ आयत नंबर आठ अल्लाह ने फरमाया फलम يا أيها الذين آمنوا استغفروا
खत्म कर ले। जवानों कम से कम कुछ ना हो ना,
इससे मतलब आप नहीं बोल कि उस भाग में जाना है, इससे ज्यादा मिले पढ़ने वाले ज्यादा है, पूरा मदद
ہم کافی تیزی کے ساتھ ہو رہا اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ کے ڈر میں گرا وہ جو اللہ کے ڈر میں گرا ہمارے نبی کے پاس اللہ جنت سے اس کا پانی بنا دے گا. اس لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, ہم لوگ یہ بہت اچھا کر جا رہے تھے نا, یہاں بھی رکمان بچھا دیں آپ لوگ ایک طرح سے آتے ہیں اللہ کا بھی کرتے جا اور ساتھ میں یہ مدد سے راجی مسجد کے راستے بھی اللہ کے واسطے دیتے جاؤ. جتنا بھی آپ دیں گے, اگر آپ نے حضرت علی کا واقعہ سنا چھ درہم دیے کتنے لے کے اور ساتھ میں تو وہ فضیلت اور لے کے گئے جو ہے تاج والی اللہ 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 الل
المحمد صلى الله عليه
जो करते हैं तो ये जैसे करते हैं ताई जो भी आउलाद है उनका
اللهم صل على سيدنا محمد.